हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आपका हमारे एडी स्टार क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2019 और 2020 से जुड़े जितने भी लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में। आपको इस वीडियो में 30 इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, राइट साइड में बेल आइकन आता है, आप बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को पुश करने के बाद आपको हमारी लेटेस्ट जितनी भी वीडियो हैं वो सबसे पहले अवेलेबल हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपना फीडबैक भी नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताइए, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। बढ़ते हैं ब्रांड एम्बेसडर की तरफ और देखते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट 30 ब्रांड एम्बेसडर इसमें बताए गए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन से हैं। तो सबसे पहले हैं अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, दूसरे हैं CRPF के ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को CRPF का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है, यानी विराट कोहली को PNB का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों वीवो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया। आप लगभग देखते होंगे TV में दाढ़ी और मूंछे बढ़ा करके आमिर खान वीवो का जो फ़ोन है उसका एड देते हैं, यानी वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो आमिर खान को बनाया गया है। संयुक्त राज्य पर्यावरण के लिए वैश्विक सद्भावना दूत एली गोल्डिंग को नियुक्त किया गया है, यानी एली गोल्डिंग संयुक्त राज्य पर्यावरण के लिए वैश्विक सद्भावना दूत की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। यूनिसेफ का युवा ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास, जो कि असम से बिलोंग करती हैं, असम की धाविका कहलाती हैं, इन्हें यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रिबोक इंडिया, रिबोक का नाम आपने सुना होगा, रिबोक के शूज़ आप लोग पहनते होंगे, रिबोक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर और कंगना रनौत को बनाया गया है। आगे देखते हैं डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, डिजिटल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर अंकित फाड़िया को बनाया गया है। ठीक है, इतना याद रखना है। T20 मुंबई लीग के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, आपको पता होगा कोरोना वायरस के कारण अभी सारे, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो जैसे टोक्यो ओलंपिक हो, इन सबको स्थगित कर दिया गया है। इस बार के IPL को भी स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण। अगले हैं कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। तो वरुण धवन और अनुष्का शर्मा, इन दोनों को संयुक्त रूप से कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को अभी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे हैं लुब्रिकेट इंडिया, लुब्रिकेट इंडिया यानी हिंदुसा ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हार्दिक पांड्या। आपको पता होगा हार्दिक पांड्या एक क्रिकेटर हैं। हरियाणा स्वास्थ्य कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर गौरी शोरन को अभी हरियाणा राज्य के स्वास्थ्य कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर ये तेलंगाना सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है रकुल प्रीत सिंह को। ठीक है, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस बी का जो टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी के उन्मूलन के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसकी रोकथाम के लिए अमिताभ बच्चन को उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस AD स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेपाल टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर जयप्रदा को बनाया गया है। जयप्रदा एक सांसद भी रह चुकी हैं। माँ एक अभियान चलाया गया था, उस माँ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा योग और आयुर्वेद, बेसिकली योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु बाबा रामदेव को बनाया गया है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। पेप्सिको स्पोर्ट्स ड्रिंक, पेप्सिको की एक ड्रिंक आती है जो कि स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है और वो लोग ज़्यादा उसे यूज़ करते हैं। तो पेप्सिको स्पोर्ट्स ड्रिंक की ब्रांड एम्बेसडर अभी पी वी सिंधु को बनाया गया है। आपको पता है पी वी सिंधु एक टीम इंडिया की फेमस टेनिस प्लेयर हैं। सड़क सुरक्षा अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। अगले हैं भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन, सॉरी स्वच्छ भारत अभियान या मिशन कुछ भी कहिए, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। यानी अमिताभ बच्चन जी को स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा सरकार के द्वारा, अभी तेलंगाना सरकार आया था, अब आपको मेंशन किया गया है स्पेशली हरियाणा सरकार के द्वारा। आपको 3 बार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर देखे गए हैं, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एक बार तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा और इस बार हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा सरकार के द्वारा साक्षी मलिक को नियुक्त किया गया है। अगले हैं मेक माई ट्रिप MMT, आप इसका एड टीवी में जरूर देखते होंगे। मेक माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आलिया भट्ट और रणवीर सिंह। आगे देखते हैं ऊबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, पहला ऊबर इंडिया ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। यानी ऊबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। स्वच्छ आंध्र मिशन के ब्रांड एम्बेसडर पी वी सिंधु को बनाया गया है। आगे देखते हैं 2019 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैरी कॉम, आपको इतना याद रखना है। असम राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। यानी असम राज्य की जो पर्यटन विभाग है वहाँ के पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। आगे देखते हैं तेलुगु टाइगर्स के ब्रांड एम्बेसडर राणा दग्गुबती, राणा दग्गुबती को तेलुगु टाइगर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप नियुक्त किया गया है। आपको पता है तेलुगु भाषाओं के 2 राज्य हैं, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। अगली और आज की लास्ट हैं पल्स पोलियो यानी मुथूट ग्रुप एजुकेट गर्ल्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। मुथूट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन हैं और पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन को ही नियुक्त किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल AD स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।